एक ऐसे कॉमेडी आर्टिस्ट मौजूद हैं जो के मोटू पतलू कार्टून उसकी आवाज बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। अरे अरे टॉयलेट का तो हमें बहुत पहले से पता था। चिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल। अंजलि मैं तो मैच्योर दू और नाइस सकता। अरे देखिए भाई साहब देवियो संजनो उर्दू पॉइंट में आपका स्वागत है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरे बड़े भैया वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं आप? ये आवाज कैसी निकाल रहे हैं आप? ये आपकी असली आवाज है या निकाल रहे हैं? अरे बड़े भैया अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ये मेरी असली आवाज नहीं है, ये तो मैं निकाल रहा हूँ। अच्छा तो ये इस तरह की आवाज कब से निकाल रहे हैं आप? अरे बड़े भैया ये 2-3 महीने हो गए हैं मुझे, मैंने निकालना शुरू की है आवाज। मैंने देखा है कि मोटू पतलू कार्टून बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, तो बड़े भैया मेरी भी खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अच्छा जनाब आपकी खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चलती तो कुछ खिलाएं पिलाएं आपको? अरे बड़े भैया एक आध समोसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा जनाब सुहेब कामरान साहब ये बताइएगा कि आप कब से इस तरह की आवाज निकाल रहे हैं? आपको कब पता चला कि आपके अंदर ये टैलेंट मौजूद है? अरे अरे टैलेंट का तो हमें बहुत पहले से पता था। ये आवाज मैं 2-3 महीने से निकाल रहा हूँ। मैंने देखा कि ये कार्टून बहुत चलते हैं और जॉन को भी लोग पसंद करते हैं, तो मैंने ये आवाज निकालना शुरू की है। तो जब आप बाहर जाते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो आप इस तरह की आवाज़ में जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं चाले की मजाक कर रहे हैं? चिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल, बोले तो यम पॉसिबल, मुझे कुछ कहेंगे तो मैं पकड़ के जेल में डाल दूंगा। इतना ज्यादा आप हर टाइम ऐसे बोलते रहते हैं, आपकी तो आवाज़ बिल्कुल ऐसी होगी होगी। मेरी आवाज अपने भी खराब हो गई है इनकी निकालते निकालते। ये कौन से करेक्टर की आवाज निकाली है? ये चिंगम सर है, पुलिस वाला। तो ठीक है, ये बताएं कि आपने जब ये सबसे पहले आवाज निकाली मोटू पतलू की, आपको खुद तो लगा होगा आप सही निकाल रहे हैं, लेकिन आपको किसी ने कहा था कि हाँ आप बिल्कुल सही एग्जैक्ट निकाल रहे हैं आवाज? किसने कहा सबसे पहले? ओए मेरे बड़े भाई में दूस मेरी यारी, ओए बाहर सुटिया ही पापड़ वाले ने सवाल पूछ के यारी, ओए मेरे भाई ने मेरी भैन ने मेरी अम्मी ने मेरे सारे घर वालों ने मुझे कहा था यारी आप बिल्कुल आवाज वैसी निकाल रहे हो मेरी यारी। बहुत खूब जनाब बहुत खूब, आपने इतनी ज्यादा मोटू पतलू और दिगर आर्टिस्ट की आवाज निकाली दिगर कार्टून्स की, तो आपकी असल आवाज क्या है लोग जानना चाह रहे हैं। काफी देर से लोग इंतजार कर रहे होंगे यार ये असल में बोलता कैसे होगा, वो हमारे नाज़रीन को बताएं सबसे पहले और अपने बारे में बताइएगा कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ मुजफ्फरगढ़ से और मेरा घर खानगढ़ है। तो जनाब मैं यहाँ लाहौर आया हूँ इस सिलसिले में कि मे बी मुझे कुछ चांस मिल जाए कार्टून वॉइस ओवर का या वैसे किसी चैनल वगैरह पे, तो मैं इसलिए यहाँ पे सफ़र करके आया हूँ स्पेशली। आप मुजफ्फरगढ़ से यहाँ पर लाहौर में हैं, तो यहाँ पर सर्वाइव किस तरह कर रहे हैं, यहाँ पर रह कहाँ पर रहे हैं और इसके अलावा आपकी स्ट्रगल कितनी हार्ड है? तो मैं कलमा चौक पे यहाँ रह रहा हूँ लाहौर में और स्ट्रगल तो मैं बहुत हार्ड कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मे बी मुझे कोई चांस मिल जाए। अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ लाहौर में बहुत ज़्यादा है तो मे बी देखें अब क्या होता है। और इसके अलावा मैं कॉल सेंटर पर काम कर रहा हूँ आजकल, ताकि सर्वाइव भी करना है ना कुछ ना कुछ, तो इसलिए फिर जब मुझे कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल जाएगी तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर अवेल करेंगे। ये बताइएगा कि आपके टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा ह्यूज फैन फॉलोइंग है, आप वीडियो अपलोड करते हैं आपने इस मोटू पतलू की आवाज़ में, तो लोग काफ़ी पसंद करते हैं, कैसा लगता है देख के? जी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग हुई और 15 दिन में फ़ैन फॉलोइंग मेरी काफ़ी बढ़ गई है, मतलब 3 लाख क्रॉस कर गया मैं 15 दिन में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फेम मिली है और बहुत प्यार मिला लोगों से, तो बहुत अच्छा लगता है। जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो बस भागती जाती है मिलियंस में। आप बाहर जाके जब ये प्रैंक करते हैं अपनी इस आवाज़ में अपने इस फन अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए, तो वहाँ पर लोगों का रिस्पांस क्या होता है? एक बार फिर से पूछ रहा हूँ आपकी असली जेन्युइन आवाज़ में। जी वो रिस्पांस बहुत अच्छा होता है क्योंकि लोगों ने कार्टून टीवी पे देखे हुए हैं तो उन्हें फिज़िकली मिल जाते हैं आवाज़, उनको पहले तो यकीन नहीं होता, लोग कहते हैं कि ये जी आप डबिंग कर रहे हो, आपने कोई चीज़ रखी हुई है गले में, तो वो कहते हैं आपकी आवाज़ नहीं है ये। आपके घर के जो बच्चे हैं वो तो कार्टून बहुत शौक से देखते होंगे? जी वो पहले कार्टून देखते थे मगर अब वो मुझे देखते हैं, वो मुझे कहते हैं कार्टून की आवाज़ सुनो। जब घर में लाइट नहीं आ रही थी या वाईफाई नहीं आ रहा था तो बच्चों ने कार्टून देखने हो तो आप उनके सामने कार्टून बन जाते हैं? जी बिल्कुल, अब वाईफाई हो लाइट हो या ना हो, टीवी चल रहा हो या ना चल रहा हो, तो वो मुझे ही कहते हैं अब खुद ही सुनाओ आप कार्टून। आपकी लाइफ का मोटिव क्या, आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में, आगे क्या करना चाहते हो? सर बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि मैं
सबसे बड़ा बड़ा जो मेरा मेन मकसद है कि मैं लोगों को हंसा सकूं, उनको एंटरटेन कर सकूं, क्योंकि बहुत जो है स्ट्रिक्ट हालात चल रहे हैं, हर कोई जो है परेशान है। तो मैं कहता हूं कि मेरे अल्फाज से कोई खुश हो सके। और जो नेक्स्ट मेरा मोटिव है वो है कि मे बी मुझे किसी चैनल पे कोई काम वगैरह मिल जाए, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले ताकि मैं अपॉर्चुनिटी अवेल करूं और मेरा भी करियर स्टार्ट हो इंशाल्लाह आगे। आप मोटू पतलू के अलावा कोई और करेक्टर की आवाज़ निकाले थे जो बहुत मशहूर है, बॉलीवुड के स्टार्स हैं, पाकिस्तानी स्टार्स हैं उनकी? जी बिल्कुल, उनके भी मैं कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा बहुत सुना देता हूँ। सुनील शेट्टी साहब हो गए, जिस तरह अब जिस तरह वो हो गए, अमिताभ बच्चन साहब हो गए, अरे देखिए भाई साहब, दिव्य संजनो उर्दू पॉइंट में आपका स्वागत है। हमारे जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब हो गए हमारे, अरे इफ्तिखार अंकल, मैं बिलावल भुट्टो सरदारी, अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। और प्लीज आप मेरे पीछे मत लगे, मैं किसी से नहीं शादी करना चाहती, मैं बस हुकूमत करना चाहती हूँ। मैं हाँ कलाशन को निशाना ढस ढस बची थी। अब जिस तरह हो गए अल्ताफ हुसैन साहब, अरे कराची वालो, तुम लोगों को एक पप्पी इस गाल पर और दूसरी पप्पी इस गाल पर। जिस तरह ताहिरुल कादरी साहब हो गए, उनका थोड़ा अलग स्वैग है। ये जो निजाम है ये मुझे नहीं पसंद, निजाम ये, इस निजाम के तहत आप मुझे शहीद करना चाहें तो आए, मेरा सीना हाजिर है। अब जिस तरह फजल रहमान साहब हो गए, 1973 के अगर के तनाजुर के मुताबिक ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, और आज आप मुझे देख रहे हैं उर्दू पॉइंट की तरफ से। अच्छा जुहैब कामरान साहब, आप अपनी मोटू पतलू वाली आवाज में आखिर में कुछ कहना चाहोगे अपने ऑडियंस से, उर्दू पॉइंट की ऑडियंस से कुछ कहना चाहोगे? अरे बड़े भैया मुझे देखने वालों, आप इस वीडियो को इतना फैला दो कि ये इंडिया तक भी चली जाए और मोटू पतलू जो आवाज़ वहाँ पे डबिंग करते हैं उन तक पहुँच जाए और उनको पता चले उनके मुकाबले में भी कोई आ गया है। अरे अरे उर्दू पॉइंट को देखने वालों, ये लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करो। अगर कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया मैं गोली मार दूंगा डिशकिया। अच्छा जुहैब कामरान साहब, ये बताइएगा कि ये जो आप मोटू पतलू की आवाज़ निकाल लेते हैं या दीगर करेक्टर्स की आवाज़ निकाल लेते हैं, इसकी रिहर्सल भी करते होंगे, गले को कैसे साफ़ करते हैं जब आप ये आवाज़ निकालने लगते हैं, तो उसकी ट्राई करते हैं कोई? जी बिल्कुल, वैसे मैं गला साफ़ नहीं करता, वैसे ये मेरा जो है नेचुरली है, गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि बेसिकली ये जेनेटिकली है। मेरे फादर जो है ना वो करते थे इस तरह, एनिमल्स वगैरह की आवाज़ें निकाला करते थे, तो ये मे बी जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुआ है। तो एनिमल्स की पहले सबसे पहले मैंने स्टार्ट की, तो उसके बाद मैंने देखा एनिमल्स की कर लेता हूँ तो फिर मैं इंसानों की भी कर लूँगा, कार्टून्स वगैरह की भी कर लूँगा, तो फिर तब मैंने स्टार्ट किया, वैसे जेनेटिकली है ये। आपको पहली बार कब पता चला कि आपके अंदर ये टैलेंट छुपा हुआ है जो आपको अब पता चला है? जी बिल्कुल, ये सबसे पहले हमारे घर में बकरी हुआ करती थी तो वो आवाज़ निकालती थी, उसकी पहले सबसे पहले मैंने ट्राई की थी तो इस तरह करती थी कुछ, तो मैंने स्टार्ट किया यार ये आवाज़ निकाली किस तरह निकाली आवाज़, तो गला सेट किया मैंने, वोकल्स अपने सेट किए कि पिच मैच हो रही है, तो मैंने देखा कि ये यार सारा कुछ वैसे हो रहा है, तो फिर वो स्टार्ट किया, फिर उसके बाद डॉग्स वगैरह सारा कुछ एनिमल्स की स्टार्ट की, तो उसके बाद मुझे पता चलता गया जी क्वालिटीज़ हमारे अंदर हैं, तो फिर स्टार्ट किया ये।